घात लगाकर बैठे बदमाशों ने किया हमला। तीन युवकों पर धारदार हथियार से किया वार। एक युवक की मौत, दो अस्पताल में भर्ती। रॉ टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। किडनैपिंग, लूटमार, हत्या जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कुछ बदमाशों ने तीन युवकों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। गोंडा जिले के देहात थाना क्षेत्र के करनपुर के मजरा पठानपुरवा निवासी सलीम, जावेद और आशिफ, ये तीनों युवक बाइक से मोबाइल का सामान लेकर वापस आ रहे थे। तभी गोंडा के डेहरास मार्ग स्थित एक निजी स्कूल के पास कुछ बदमाश घात लगाकर पहले से ही बैठे थे, और जैसे ही सलीम, जावेद, आसिफ इनके पास पहुंचे, इन लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर गांव वाले जब दौड़े तो बदमाश फरार हो गए। घायल अवस्था में युवकों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। हालात को देखते हुए तत्काल गोंडा आर्यन नर्सिंग होम में रेफर किया गया, मगर किस्मत अली पुत्र 18 वर्षीय सलीम की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम 7 बजे के आसपास हुई है और इस घटना से पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। मृतक सलीम के पेट में छुरा मारा गया था और वहीं दो युवकों में से एक युवक के सीने में और एक युवक के हाथ पर वार किया गया था। दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतक सलीम के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें दो को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं आरोपियों की और तलाश जारी है और जांच भी जारी है। मृतक के पिता किस्मत अली और एएसपी महेंद्र कुमार ने इस पूरी घटना पर क्या जानकारी दी है, सुनिए। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम करनपुर। यहाँ हॉस्पिटल आए हुए हैं, क्या मामला है? हॉस्पिटल लेकर आए थे, हमारे बच्चे को चाकू मार दिया है। किसने मारा है? बादीपुरवा का एक लड़का है, नाम क्या रहे बच्चा उसका? मैं शुभम नाम है। गया आया था गोंडा मोबाइल का सामान लेने, एक मोबाइल के दुकान पे वो जो है बैठता था। जब वो लड़का आया लेने तो रास्ते में तीन लड़के थे, तीनों को पकड़ के इसको यहाँ मार दिए पेट में, दो को मारे, एक को यहाँ लगा है, एक को हाथ में लगा है। और क्या स्थिति है लड़के की? लड़का हमारा ख़त्म हो गया, दो लड़के घायल हुए हैं। अब जो उचित समझे आप लोग कार्रवाई। क्या कोई रंजिश थी पहले से? नहीं, कोई रंजिश नहीं है, कोई भी रंजिश किसी से पूरे ग्राम सभा में नहीं है हमारा। कितने साल का लड़का था? ये लड़का हमारा 18 साल का है, नाम उसका सलीम है। क्या तहरीर वगैरह दी है इसकी? जी, तहरीर वगैरह दी है। लेकर गए थे, लड़का वहाँ सीरियस होने लगा, हम लोग लेकर भागे, यहाँ लाते लाते खत्म हो गया। जिन्होंने मारा है वो कहाँ के लोग? वो बादीपुरवा गाँव का रहने वाला है, ग्राम सभा कौन सा पड़ता है? खरबू। कई लोग थे वो? वही लोग बता सकते हैं, रास्ता रोक लिए थे। सर, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की मृत्यु हो गई है, क्या प्रकरण है, क्या कार्रवाई हो रही है? थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत करनपुर मौजी में लॉर्ड गौतम महाविद्यालय के पास में हुए झगड़े में एक व्यक्ति को चाकू लग गई थी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना का तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया गया है और जो नामित अभियुक्त हैं सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, मौके पर शांति है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में तो जुटी ही है, मगर वहीं इस पूरे घटना को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस घटना की जांच पुलिस कर रही है और जांच में ही सच सामने आएगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।